हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाला है ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स एंड कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और कमेंट्स, ये सब चीज़ आखिर है क्या, राइट? तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सबसे पहले कीवर्ड्स। कीवर्ड्स यानी कि क्या? तो यहाँ पर मैं एक आपको पेज बता रहा हूँ, यहाँ पर कीवर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है रिजर्व्ड वर्ड। ठीक है, इन प्रोग्रामिंग, फिर चाहे वो कौन सी भी लैंग्वेज हो, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, वॉट एवर, इन सभी में कीवर्ड्स का मीनिंग क्या है? कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने आप में रिजर्व किए हुए हैं, जिसको आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी लैंग्वेज के अंदर ऐसे टोटल 32 रिजर्व वर्ड्स हैं जिनको बोला जाता है कीवर्ड्स। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो रिटर्न है, फ्लोट है, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, फॉर, इफ, ठीक है, इंट। हमने आज तक इंट और फ्लोट ये दोनों यूज किए थे, राइट? तो ये दोनों क्या है? कीवर्ड्स है। ठीक है, इनको आप कोई वेरिएबल की जगह पर नहीं यूज कर सकते। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है यू कैन नॉट यूज इट एज अ वेरिएबल नेम, कॉन्स्टेंट नेम एटसेट्रा। ठीक है, क्योंकि ये इन सब का एक मीनिंग है, स्पेसिफिक मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल इंट और फ्लोट, ये दोनों क्या है? डेटा टाइप है, राइट? तो आप अपने वेरिएबल का नाम इंट नहीं रख सकते, फ्लोट नहीं रख सकते। ठीक है, ये सभी क्या है? बिल्ट इन कीवर्ड्स है, रिजर्व्ड वर्ड्स है, जिसका अपने आप में ही एक मीनिंग है इन द प्रोग्रामिंग। ओके, जिसको आप अपने तरह से कस्टमाइज यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके पास ऐसे टोटल 32 रिजर्व वर्ड्स है जिनको बोला जाता है कीवर्ड्स, राइट? तो इनका आप नोट कर डाउन कर सकते हो, इनका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, बस इसी को बोला जाता है कीवर्ड्स। हम सभी कीवर्ड्स नहीं देखेंगे, बट जैसे जैसे हमें आगे इन द सिलेबस जैसे जैसे जरूर पड़ती जाएंगी, उसी तरह से हम वन बाय वन कीवर्ड्स को देखते जाएंगे। ओके, फिलहाल हमने टोटल दो देखे हुए हैं, इंटीजर और फ्लोट कीवर्ड्स, राइट? जिसको हम डेटा टाइप भी बोलते थे। ओके, ये थे हमारे कुछ 32 रिजर्व वर्ड्स जिसको आज के बाद हम बोलेंगे कीवर्ड्स। ओके, उसके बाद हमें एक नया टॉपिक देखना है, ऑपरेटर। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी डेव सी प्लस प्लस की न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा ऑपरेटर यानी कि क्या। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो नंबर है, ए एंड बी। ए के अंदर मैं स्टोर करा रहा हूँ 5 और बी के अंदर मैं स्टोर करा रहा हूँ 3। ठीक है, आप चाहे तो इसी तरह से भी स्टोर कर सकते हो, या फिर अगर आपको एक ही लाइन में करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 3। ओके, ये शॉर्टकट है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। ओके, अब मैं एक नया वेरिएबल लूंगा सी, जिसके अंदर मैं दोनों का सम इंसर्ट कराऊंगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर बीच में स्पेस देना कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इसे इग्नोर भी कर सकते हो, राइट? चलिए, अब हमारा सम आ चुका है सी नाम के वेरिएबल के अंदर। अब हम क्या कराएंगे, सी को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर हम मैसेज लिखेंगे सम इज परसेंटेज डी, राइट? और परसेंट डी की वैल्यू जो है वो रिप्लेस करेंगे सी से, इस तरह से। ठीक है, सिंपल। चलिए, इस फाइल को मैं सेव करूँगा और यहाँ से रन कराऊँगा। ओके, तो वो कंपाइल होगी और उसके बाद हमें इस तरह से आउटपुट की विंडो दिखाई देगी, सम इज 8, राइट? तो इस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ सम किया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्पेसिफिक इस लाइन की, 8 नंबर की लाइन की, तो यहाँ पर आपको टोटल दो ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे। एक है हमारा इक्वल टू और एक है हमारा प्लस ऑपरेटर। ठीक है, ये जो सिम्बल्स आपको दिख रहे हैं प्लस और इक्वल टू, इसी को बोला जाता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स यानी कि क्या? जो कि कोई स्पेसिफिक इंडेंटेंट काम करने के लिए बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इक्वल टू की बात करें, तो इक्वल टू क्या करता है? राइट साइड आपने स्पेसिफाई जो भी वैल्यू की है उनको असाइन करता है लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर, राइट? फॉर एग्जाम्पल बी इज इक्वल टू 3 के अंदर भी इक्वल टू का काम क्या है? 3 को असाइन करेगा बी के अंदर। ठीक है, तो वो असाइन करने वाला काम कौन करता है? इक्वल टू ऑपरेटर हमारे लिए करता है। तो इसलिए इक्वल टू ऑपरेटर को बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको भी आप खास नोट डाउन कर लीजिएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, आज के बाद हम इक्वल टू नहीं बोलेंगे, बल्कि इसका प्रोग्रामेटिकली ऑफिशियल मीनिंग होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्यों इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है? क्योंकि उसका काम ही है वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करना। ठीक है, ओके, उसी तरह से अगर हम 10th नंबर की लाइन की बात करें, तो यहाँ पर आपको एक और ऑपरेटर दिखाई देगा, प्लस ऑपरेटर। ठीक है, प्लस ऑपरेटर का काम क्या है? उनके पास दो वेरिएबल की वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, इन दोनों का वो कर देगा सम, एडिशन। जो भी आउटपुट आएगा वो यहाँ पर असाइन हो जाएगा सी के अंदर, किसके थ्रू? इक्वल टू के थ्रू, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, राइट? लेकिन हमें इस लाइन में टोटल दो ऑपरेटर देखने को मिले,
पहला असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन आफ्टर प्लस ऑपरेटर, ठीक है। तो इस प्लस ऑपरेटर को भी बोला जाता है एरिथमेटिक ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर को हम क्या बोलेंगे आज के बाद? एरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। एरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास कई सारे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लस, यहाँ पर हमने यूज़ किया है प्लस ऑपरेटर, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आता है? एरिथमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी के अंदर आता है। उसके बाद आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉड्यूलस, राइट, जिसको हम मॉड्यूलो या फिर मोड भी बोल सकते हैं। तो इस तरह के पांच ऑपरेटर जो कि स्पेसिफिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए के बने हुए होते हैं, इसी को बोला जाता है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, राइट। तो ये पांचों के पांचों कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। प्लस को भी, माइनस को भी, मल्टीप्लीकेशन, सभी को फिलहाल एरिथमेटिक ऑपरेटर ही हमें बोलना है, राइट। तो इस तरह की हमारे पास कई सारी कैटेगरी होती है ऑपरेटर्स की। फर्स्ट कैटेगरी हमने देखी असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर क्या आता है? इक्वल टू, इस तरह से, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर कई सारे और ऑपरेटर भी आते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लस इक्वल्स टू, जी हाँ, ये दोनों के दोनों मर्ज किए हुए हैं, प्लस इक्वल्स टू, उसके बाद माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू और मॉड्यूलस इक्वल टू। अब इन सब का मीनिंग क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हो सभी के सभी एरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद में इक्वल टू को मर्ज किया गया है, इक्वल टू को अपेंड किया गया है, राइट। तो इन सभी का काम सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल मैं आपको बताऊंगा प्लस इक्वल टू का मीनिंग क्या है। देखिए, इसके लिए मैं एक ऑपरेटर लूंगा, एक वेरिएबल लूंगा a इज इक्वल टू 5, एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पर कराऊंगा a प्लस इक्वल्स टू 1, इस तरह से, और फिर मैं प्रिंट करूंगा a की वैल्यू, a इज इक्वल टू परसेंटेज d एंड देन आफ्टर a की वैल्यू, इस तरह से, ठीक है। अब ये लाइन करती क्या है? प्लस इक्वल्स टू यानी कि फिलहाल a के अंदर जो भी वैल्यू है, पुरानी कौन सी वैल्यू थी a के अंदर? 5, राइट। उसके अंदर आपको एक ऐड करना है, यानी कि अब a की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक है। तो बस प्लस इक्वल्स टू का मीनिंग यही है, a के अंदर जो भी पुरानी वैल्यू थी उसके अंदर आपको एक ऐड करना है, और जो भी आंसर आएगा उसको फिर से आपको असाइन करना है a के अंदर। यानी कि इस लाइन को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है। आप चाहो तो इस तरह से भी लिख दो, या फिर इस लाइन को अगर आपको शॉर्टकट के अंदर लिखना है तो फिर आप यहाँ पर इस तरह से भी मेंशन कर सकते हो। दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हमने? a की जो भी पुरानी वैल्यू थी 5, उसके अंदर हमने प्लस किया 1, यानी कि अब इसका आउटपुट आ गया 6, राइट। अब वो इक्वल टू की मदद से असाइन हो गया फिर से a के अंदर, तो अब a की नई वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई, राइट। तो यही प्रोसेस हमने की है प्लस इक्वल्स टू की मदद से, जिसको बोला जाता है वन टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अभी आपके ऊपर है, आपके प्रेफरेंस के ऊपर, आप ये वाली लाइन यूज करना चाहते हो या फिर ये वाली शॉर्टकट लाइन, ठीक है। दोनों का मीनिंग एक ही है। चलिए प्रोग्राम को मैं सेव कराऊंगा और रन कराऊंगा, तो अब आपको आउटपुट मिल गया a इज इक्वल टू 6, राइट। तो बस सिंपल यही है, इस तरह से काम करता है। अगर आपको यहाँ पर माइनस चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हो माइनस इक्वल्स टू, ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मोड, उसको भी आप यूज कर सकते हो, ओके। फिलहाल हम रखेंगे प्लस, ओके। तो आप इसका भी ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ये दोनों लाइन एक ही है, ठीक है। ये थी एक और कैटेगरी असाइनमेंट ऑपरेटर को किस तरह से यूज किया जाता है वो, ओके। चलिए अब इस तरह के हमारे पास कई सारी कैटेगरीज है ऑपरेटर्स की। फॉर एग्जाम्पल एक और कैटेगरी है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। रिलेशनल बोलो या फिर आप उसे बोल सकते हो कंडीशनल, जिसके अंदर हमारे पास कई सारे ऑपरेटर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हमारे पास आता है लेस देन, देन आफ्टर ग्रेटर देन, फिर लेस और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है। इस तरह से कई सारे हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं। साथ ही साथ आप यूज कर सकते हो नॉट ऑपरेटर एंड नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर, ओके। ये सभी ऑपरेटर्स हम फ्यूचर सेशंस के अंदर देखने वाले हैं। फिलहाल आपको जस्ट कैटेगरीज का नाम और उस स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल है वो सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है। इससे आप रिलेशनल बोल सकते हो, कंडीशनल बोल सकते हो, या फिर इसका एक और नाम है लॉजिकल ऑपरेटर्स, वो भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। इन सभी का मतलब एक ही है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू या फिर नॉट, ओके। इस तरह से आपके पास एक और कैटेगरी है जिसको बोला जाता है असाइनमेंट
ऑपरेटर्स, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने एक बार तो देख ही लिया, राइट। इसके अंदर सिर्फ इस तरह की आती थी, तो फिर आप इसे बोल सकते हो असाइनमेंट कंडीशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट कंडीशनल ऑपरेटर्स, जिसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स आएंगे, जिसके अंदर आएगा आपका डबल इक्वल टू, ठीक है, इसको डबल इक्वल टू भी बोला जाता है, जिसको स्पेसिफिकली आप बोल सकते हो कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद एक और ऑपरेटर आता है इसके अंदर नॉट इक्वल टू, जो कि आप इस कैटेगरी के अंदर भी यूज कर सकते हो, इसे कंडीशनल लॉजिकल भी बोला जाएगा या फिर असाइनमेंट कंडीशनल भी बोला जाएगा, नॉट इक्वल टू, ठीक है, दोनों के अंदर आएगा। तो ये थी हमारी लास्ट कैटेगरी असाइनमेंट कंडीशनल ऑपरेटर्स। वैसे अगर देखा जाए तो एक और कैटेगरी आती है बिटवाइज ऑपरेटर्स, लेकिन फिलहाल हमें इस कैटेगरीज का कुछ भी काम नहीं है। इसके अंदर आपको मिल जाएंगे और ऑपरेटर्स इस तरह से, ठीक है, या फिर इस तरह से टिल्डे वाला ऑपरेटर्स। तो ये दोनों ऑपरेटर्स वो आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर, जिसको हमें थ्रू आउट सिलेबस कभी भी नहीं देखना है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। अगर आप आगे जाकर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो फिर वहाँ पर आपको इस तरह का ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, अब यहाँ पर हमने तीनों को मिक्स किया हुआ है, रिलेशनल, कंडीशनल एंड लॉजिकल। अगर हम इसको एक और बार स्पेसिफिकली अलग करना चाहें तो आप लिख सकते हो लॉजिकल ऑपरेटर्स अलग से ही, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर क्या क्या आएंगे, एंड ऑपरेटर्स एंड और ऑपरेटर्स, इसको बोला जाता है एंड, डबल एंड का सिंबल, इसको बोला जाता है एंड ऑपरेटर। डबल पाइप का सिंबल, इसको बोला जाता है और ऑपरेटर, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो और ऑपरेटर। और ये जो डबल एंड किया है इसको आप बोलोगे एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दो ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ से इस कैटेगरी का नाम हम निकाल देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कई सारी कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी है असाइनमेंट, देन आफ्टर है एरिथमेटिक, देन आफ्टर है रिलेशनल या फिर कंडीशनल, देन आफ्टर है लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड देन आफ्टर असाइनमेंट कंडीशनल, एंड इन द लास्ट बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने पांच कैटेगरीज देखी है अलग अलग। तो आप फिलहाल आप सभी कैटेगरी को नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल लीजिए। ये थी हमारी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है, सभी टाइप्स के ऑपरेटर्स हम थ्रू आउट द सिलेबस वन बाय वन सभी को देखने वाले हैं। फिलहाल आपको सिर्फ याद रखना है इन सभी कैटेगरीज का नाम और इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स आ रहे हैं उसका नाम, ठीक है। ओके, चलिए, ये था हमारा ऑपरेटर्स का टाइप्स। ओके, अब हम आज का हमारा लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जिसका नाम है कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स, ठीक है। फिलहाल इन सभी को मैं मिटा देता हूं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टेंट वेरिएबल। तो ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल यानी कि क्या, हमने सिंपल वेरिएबल तो देख लिया, राइट। कॉन्स्टेंट वेरिएबल यानी कि क्या, अ वैल्यू या फिर आप कह सकते हो अ वेरिएबल विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर इट इज इनिशियलाइज्ड। यानी कि अगर एक बार आपने कोई वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी, उसके बाद आप उसे कभी भी मॉडिफाइड नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फाइल हम वेरिएबल का एक सिनारियो देख लेते हैं, इंटीजर ए, ए के अंदर मैं फिलहाल स्टार्टिंग में एक वैल्यू असाइन करूँगा 5, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा ए की वैल्यू परसेंटेज डी और उसके बाद ए, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर चाहे तो आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो ए इज इक्वल टू, चलिए अब इसको रन कराते हैं प्रोग्राम को, तब आपको मिलेगी ए की वैल्यू 5, ठीक है। ओके, हमने इंटीजर तो बहुत सारे देख लिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्लोट। चलिए, फ्लोट के अंदर कोई एक वैल्यू है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 5.2, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, परसेंटेज एफ करना होगा, राइट। चलिए, फिलहाल हमने फाइल को किया है सेव और रन करेंगे, तो अब आपको आउटपुट के अंदर मिलेगा पॉइंट वाली वैल्यू, ठीक है, 5.2 जो कि हमने लगाया था वो, और उसके पीछे 0.0 कई सारे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से, चलिए इसको समझते हैं। फिलहाल अगर मैं 5 भी रखूंगा तो भी वो ऑटोमेटिक फ्लोट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देगा, यानी कि पॉइंट के पीछे 0 लगा देगा,
राइट। चलिए देखते हैं हमारा आउटपुट। देखिए आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो 5 पॉइंट, फिर 0 0 0, ऐसे 6 बार 0 आपको देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर आपको कोई भी डिजिट हो उसके पीछे यानी कि पॉइंट के पीछे टोटल 6 डिजिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी 5 पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल 23, चलिए फाइल को करेंगे सेव और कराएंगे रन, तो फिर आपको टोटल 6 डिजिट्स मिलेंगे जिसमें से फर्स्ट दोनों थे 2 और 3 और बाकी के बचे 4 वो आपके हो जाएंगे 0, ठीक है। तो इस तरह से फ्लोटिंग वैल्यू काम करती है सी लैंग्वेज के अंदर। अब सपोज आपने तो बनाया है 5.23, लेकिन आपको आउटपुट के अंदर क्या मिल रहा है, 5.23 और उसके बाद 4 बार 0 आ रहे हैं, राइट। तो आपको एक्स्ट्रा 0 नहीं चाहिए, आपको स्पेसिफिकली पॉइंट के बाद 2 वैल्यू ही चाहिए, 2 डिजिट ही चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर कहना होगा, आपको प्रोग्राम को बताना होगा कि मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो भी आप कह सकते हो, देखिए किस तरह से परसेंटेज एफ जो आप अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते थे उन दोनों के बीच में, परसेंटेज यानी कि परसेंटेज और एफ दोनों के बीच में आकर आपको लिखना है 0.2, इस तरह से आपको लिखना है, मेंशन करना है। अब ऑर्डिनरी परसेंटेज एफ नहीं है, देखिए अब आपका फॉर्मेट कुछ इस तरह से बन चुका है, परसेंटेज देन आफ्टर 0.2 एफ, यानी कि अब आपने स्पेसिफिकली प्रोग्राम को बता दिया कि अब मुझे पॉइंट के पीछे सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए, ठीक है। चलिए प्रोग्राम को करेंगे सेव और रन, तब आपको पॉइंट के पीछे 2 ही डिजिट्स देखने को मिलेंगे, देखिए 0.23, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हो अपने प्रोग्राम को। अब चलिए आप सभी को मालूम है मैथमेटिक्स के अंदर आप चाहे 0.2 लिखिए या फिर सिर्फ 0.2 लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आगे से एक्स्ट्रा 0 को है वो रिमूव कर दिया और सिर्फ लिख रहा हूँ 0.2। चलिए अब मैं फाइल को सेव करूँगा और रन कराऊँगा तब भी मुझे वो सेम आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है, 5.23, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम करना है फ्लोटिंग वैल्यू के साथ। अगर आप यहाँ पर 9 डिजिट चाहते हो तो आप लिख सकते हो 0.9। चलिए अब मैं फाइल को सेव करूँगा और रन करूँगा तो अब आपके डिजिट के पीछे टोटल 9 डिजिट्स होंगे, ठीक है, 23, फिर 0 0 0 और 19, कोई भी रैंडम वैल्यू आ जाएगी, टोटल 9 डिजिट्स आपको देखने को मिलेंगे, ओके। तो इस तरह से आपको काम करना है फ्लोटिंग वैल्यू के साथ। हाँ, आगे बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं लिखोगे आप तो वहाँ पर होगा 0, ठीक है। अगर मैं आगे लिखूँगा 10, चलिए अब क्या होगा, फाइल को कराऊँगा सेव और रन, तो देखिए आगे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। कई कंपाइलर से आपके, फॉर एग्जाम्पल टर्बो सी है, ठीक है, हम फिलहाल यूज़ कर रहे हैं डेव सी प्लस प्लस। अगर आप यूज़ करते हो टर्बो सी प्लस प्लस तो वहाँ पर क्या होता था, आप पॉइंट के आगे जो भी डिजिट लिखते थे, फॉर एग्जाम्पल फिलहाल हमने लिखा है 10, तो जब आप आउटपुट रन करते थे अपना आउटपुट को देखते थे तो यहाँ पर आगे टोटल 10 स्पेस, 10 वाइट स्पेस छुप जाती थी, ठीक है। कैसे हम स्पेस बार का यूज़ करके स्पेस को लगाते थे, इसी तरह से अगर आपने लिखा हुआ होता परसेंटेज 10.9, यानी कि पॉइंट के पीछे तो आपके 9 डिजिट आते ही आते, पर पॉइंट के आगे टोटल यहाँ पर 10 वाइट स्पेस छूट जाते, ठीक है। तो ये मीनिंग था आपका परसेंटेज और फिर जो मैंने यहाँ पर 10 लिखा है वो, लेकिन फिलहाल ये डेव सी प्लस प्लस के अंदर काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसको भी आपको नोट डाउन करके रखना है, ओके। तो ये था हमारा फ्लोटिंग वैल्यू के साथ हम किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगेन आ जाता है हमारे कॉन्स्टेंट वेरिएबल टॉपिक के ऊपर। चलिए मैं आपको बता रहा था वेरिएबल्स, वेरिएबल्स यानी कि एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर आप जितनी मर्जी चाहो उतनी बार वैल्यू को रिप्लेस करा सकते हो। फॉर एग्जांपल फिलहाल हमने ए के अंदर वैल्यू डाली है 5.23, ठीक है। थोड़ा सा रियलिस्टिक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं पाई, ठीक है। पाई की मैथमेटिकल वैल्यू होती है 3.14, हम सभी को मालूम है, राइट। तो अब अगर मैं पाई की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा, चलिए यहाँ पर से मैं 0.3 मिटा देता हूँ और सिंपल प्रिंट करा रहा हूँ पाई की वैल्यू। चलिए फाइल को सेव करेंगे और रन करेंगे तब आपको मिलेगा 3.14, राइट, ओके। अब मैं क्या करूँगा, पाई की अंदर एक और नई वैल्यू डाल दूंगा, फॉर एग्जांपल 9.2, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है ना, हमने ऑलरेडी 3.14 तो डाला हुआ है, फिर आप थोड़ी ना 9.2 डाल सकते हो। जी नहीं, प्रोग्राम के अंदर अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो तो उस वेरिएबल की वैल्यू
आप जितनी बार चाहो उतनी बार चेंज कर सकते हो। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रखी थी 3.14, राइट। अब दूसरी बार हमने रखी है 9.2। तो सवाल यह है कि अगर मैं प्रिंट कराऊंगा पाई की वैल्यू तो क्या आएगी, 3.14 आएगी या 9.2 आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर है आपकी जो लेटेस्ट वैल्यू है ना वही आएगी। अगर आपने ऑलरेडी वेरिएबल के अंदर कोई एक वैल्यू सेव कराकर रखी है, उसके बाद अगर आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो आपकी पुरानी वैल्यू डिलीट हो जाएगी और नई वैल्यू वो ले लेगा, ठीक है। यानी कि अगर अब मैं प्रिंट कराऊंगा पाई की वैल्यू तो अब मुझे मिलेगा आउटपुट के अंदर 9.2, राइट। चलिए सेव करेंगे और रन करेंगे, तब आपको मिल गई आपकी नई वैल्यू 9.2, ठीक है। चलिए तो ऐसा आप कितनी भी बार कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक और बार मैं पाई की वैल्यू चेंज कराऊंगा, पाई इज इक्वल टू 4.1, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब फाइल को रन करूंगा, फाइल को रन करते हैं, मैं आउटपुट मिला 4.1, ठीक है। जो भी हमारी पुरानी वैल्यूज थी वो रिमूव हो जाएंगी, जो हमारी लेटेस्ट नई वैल्यू है वही हमारी फाइनल वैल्यू बनकर आएगी, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक वेरिएबल का बिहेवियर। वेरिएबल का बिहेवियर क्या, वेरिएबल को बोलते क्या है आप, एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, और अगर उसी कंटेनर के अंदर आप फिर से कोई नई वैल्यू डालोगे तो वो नई वैल्यू ले लेगा, राइट। यही तो बिहेवियर था वेरिएबल का। वेरिएबल को आप हिंदी में क्या बोलते हो, चल वैल्यू, ठीक है, यानी कि जिसकी वैल्यू बार बार बदलती रहती हो। तो इसी को फिक्स करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट है कॉन्स्टेंट वेरिएबल। कॉन्स्टेंट वेरिएबल यानी कि एक बार अगर आपने वेरिएबल बना लिया उसके बाद आप दोबारा उसके अंदर कोई नई वैल्यू नहीं डाल सकते। जो भी आपने फर्स्ट टाइम वैल्यू डाली होगी वही रहेगी लाइफ टाइम, उसके बाद आप नई वैल्यू नहीं डाल सकते। अगर नई वैल्यू इस तरह से डालने की कोशिश भी करोगे तो भी आपका प्रोग्राम आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो इसको बोले जाता है कॉन्स्टेंट वेरिएबल। अब चलिए देखते हैं कॉन्स्टेंट वेरिएबल किस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। कॉन्स्टेंट वेरिएबल आप दो तरीकों से बना सकते हो। फर्स्ट मेथड है कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक है। आप कॉन्स्टेंट वेरिएबल दो तरीकों से बना सकते हो। पहली मेथड है आपकी यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक है। कॉन्स्ट जो है वो एक कीवर्ड है, हमने अभी अभी देखा हमारे पास टोटल सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड्स है, उनमें से एक कीवर्ड है कॉन्स्ट, ठीक है। दूसरा है यूजिंग मैक्रो। तो ये दो मेथड है, या तो आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करो या फिर आप मैक्रो बनाओ, इन दोनों की मदद से आप कॉन्स्टेंट वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। देखिए किस तरह से, सबसे पहले हम कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से बना सकते हैं। तो सिंपल है, जैसे आप कोई वेरिएबल बनाते हो इसके आगे आप लिख दो कॉन्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आगे ही आपको लिखना है कॉन्स्ट कीवर्ड, तो ये आपका बन गया एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल, सिंपल। अब कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाते वक्त आपको ध्यान क्या रखना है, आप वेरिएबल बनाते हो उसी वक्त आपको वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज कर देनी है 3.14, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि पहले आपने कॉन्स्टेंट वेरिएबल बना लिया इस तरह से और बाद में आकर आपने वैल्यू असाइन की 3.14, तो ये इनवैलिड है, ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते। कंपलसरी आपको क्या करना है, जब भी आप कॉन्स्टेंट वेरिएबल इस तरह से बनाते हो वहीं पर डिक्लेरेशन करने के साथ ही आपको वैल्यू इनिशियलाइज कर देनी है, ठीक है, इस तरह से, ओके। ये तो हमने ऑलरेडी अभी तक देखा ही था इस तरह के सिंटैक्स। आगे सिर्फ एक नया कीवर्ड आ गया, क्या, कॉन्स्ट, ओके। तो चलिए अब मैं फाइल को सेव करूंगा और रन करूंगा, तो देखिए हमें आउटपुट वैसा का वैसा ही मिल रहा है 3.14। चलिए अब वैल्यू को बदलने की ट्राई करते हैं। पाई की वैल्यू को मैं बदल रहा हूँ 5.3 से, ठीक है। सेव करूंगा और रन करूंगा, तो अब आपको एरर देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर नीचे भी कंपाइलर लॉक्स के अंदर आपको एरर दिखेगी कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पाई, ठीक है, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पाई। कौन सी लाइन के अंदर आ गई, 16 नंबर की लाइन के अंदर एरर देखने को मिलती है। एरर क्या कर दिए कि पाई नाम का वेरिएबल है वो आपका रीड ओनली है, यानी कि अब उसको आप सिर्फ रीड करा सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ओके। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर आप कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाते हो, एक बार वैल्यू इनिशियलाइज कर दी तो लाइफ टाइम वो वही वैल्यू रहेगी, अब आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह से चेंज करना चाहते भी हो तो आपको प्रोग्रामिंग एरर दे देगा इस तरह से, ठीक है। तो अब आपको कंपलसरी ये लाइन मिटानी ही होगी। तो अब आपके पास एकदम सिक्योर वेरिएबल आ गया है। आपने पहले ही बता दिया कि थ्रू आउट दिस प्रोग्राम मुझे पाई की वैल्यू चाहिए 3.14। अब आगे जाकर कोई भी डेवलपर इसे बदल नहीं सकता, ठीक है।
तो आपको वेरिएबल को क्या करना था, सिक्योर करना था, लॉक करना था, तो वो आपने कर लिया कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से। ठीक है, तो बस इसी तरह से आप बना सकते हो कॉन्स्टेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसको भी आप कर लीजिए नोट डाउन यूजिंग फर्स्ट मेथड कॉन्स्ट कीवर्ड। सिंपल, आप अब तक जो वेरिएबल बनाते थे वही सिंटेक्स के आगे आपको स्पेसिफाई कर देना है कॉन्स्ट कीवर्ड। ठीक है, ओके, तो यह था हमारा फर्स्ट मेथड। और हाँ, कॉन्स्टेंट वेरिएबल आप जब भी बनाते हो तो प्रोग्रामिंग की कम्युनिटी की हैबिट है, ऐसा कन्वेंशन है कि आप जो वेरिएबल का नाम लगते हो, अब तक स्मॉल केस में आप रखते आए थे राइट, लेकिन जब भी आप कोई कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाओगे तो ट्राई कीजिए आप उस वेरिएबल का नाम कैपिटलाइज रखो इस तरह से राइट। अब क्यों कैपिटलाइज रखना है, प्रोग्रामिंग कम्युनिटी की ऐसी कन्वेंशन क्यों है, ऐसा हैबिट क्यों है, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पर सपोज मेरे पास फिलहाल एक ही वेरिएबल है, लेकिन इन फ्यूचर आपके पास यहाँ पर 10, 20, 30 कितने चाहे वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनमें से मिक्स वेरिएबल्स हो गए ना, कई सारे सिंपल वेरिएबल्स हो गए, तो उनमें से कुछ चुनिंदा आपके कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स हो गए। तो उस कॉन्स्टेंट वेरिएबल को आप प्रोग्राम को स्क्रोल डाउन स्क्रोल अप करते ही आपके नज़र के अंदर ईजिली आ जाए, आपको तुरंत ही दिख जाए कि हाँ ये वाला हमारा कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स है। तो इसलिए जस्ट एक छोटा सा रीज़न है, एक छोटा सा कन्वेंशन है कि जैसे ही आप कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाओ तो उसको बनाओ आप कैपिटलाइज लेटर के अंदर। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट मेथड, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब देखते हैं हमारी सेकेंड मेथड यूजिंग मैक्रो। अब मैक्रो क्या है और कहाँ पर बनाया जाता है, तो मैक्रो को सबसे ऊपर बनाया जाता है जहाँ पर हमने इंक्लूड किया था हमारी स्टडियो डॉट एच फाइल को, हमारी हेडर फाइल को। ठीक है, देखिए किस तरह से बनाया जाता है, आपको लिखना है हैशटैग, फिर आपको लिखना है डिफाइन कीवर्ड, देन आफ्टर स्पेस आपके वेरिएबल का नाम। ठीक है, आपके वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ मैक्स, देन आफ्टर स्पेस और आपकी वैल्यू, सपोज मुझे इसके अंदर वैल्यू रखनी है 100। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल बन गया, बस इसी को कहते हैं मैक्रो बनाना। हैशटैग डिफाइन करके आप जो भी बनाओगे उसी को कहते हैं मैक्रो बनाना। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक और नया वेरिएबल बना लिया जिसका नाम हमने रखा मैक्स और जिसकी वैल्यू हमने रखी 100। इसके अंदर फायदा क्या है, हमें यहाँ पर इक्वल टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पर इंटीजर या फिर फ्लोट इस तरह से डेटा टाइप लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, आपको सिर्फ इतना लिखना है क्लीन एंड शॉर्ट। ठीक है, अगर आप पाई नाम का वेरिएबल इस तरह से नहीं बनाना चाहते बल्कि यहाँ पर बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर भी बना सकते हो डिफाइन पाई, जिसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ 3.14। ठीक है, तो दोनों लाइन ये सेम ही है। ठीक है, ये वाली लाइन लिखो फिर चाहे ये वाली लाइन लिखो, दोनों सेम ही है। चलिए इस वाली लाइन को फिलहाल मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, तो अब हमें मालूम है ये वाली लाइन नहीं चलेगी। ठीक है, तो हम टेस्ट करेंगे क्या ये चल रहा है या नहीं। ठीक है, हमने ऑलरेडी पाई को प्रिंट कराया हुआ है। ओके, चलिए सेव करते हैं और रन करेंगे। तो देखिए अब हमारा परफेक्ट पाई की वैल्यू आ रही है 3.14। चलिए इसी तरह से हमने दूसरा वेरिएबल बनाया था मैक्स, उसको भी प्रिंट आउट करेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिखूंगा मैक्स की वैल्यू जो कि है परसेंटेज डी, और मैं मैक्स को प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, इस तरह से सेव करेंगे और रन करेंगे तो अब आपको मैक्स की वैल्यू भी मिल जाएगी 100। ठीक है, हमने यहाँ पर स्लैश नहीं लगाया था इसलिए एक ही लाइन के अंदर आया है राइट। तो चलिए इसको फिक्स करेंगे, स्लैश एन, सेव करेंगे फाइल को और तुरंत रन करेंगे। तो देखिए अब आपको परफेक्ट वैल्यू मिल चुकी है, मैक्स की वैल्यू 10। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप दोनों मेथड की मदद से वेरिएबल्स बना सकते हो, या तो कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से या फिर इस तरह से मैक्रो बनाकर। ठीक है, अनलिमिटेड आप इस तरह से मैक्रोस बना सकते हो। ओके, अब अगर कई बार आप इंटरनेट के अंदर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम सर्च करोगे तो आपको उस प्रोग्राम के अंदर इस तरह की सिंटेक्स बारंबार देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसी तरह से आपने डिफाइन मैक्स बनाया या फिर मीन करके एक वेरिएबल बनाया, इस तरह की सिंटेक्स आपको कई बार इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी। तो वो कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल ही है। ठीक है, जिसकी वैल्यू आप थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते। तो आपके पास फिलहाल दो ऑप्शन है, या तो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ कीजिए या फिर इस तरह से मैक्रो बनाइए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हाउ टू डिफाइन अ मैक्रो फॉर डिफाइनिंग अ कॉन्स्टेंट वेरिएबल राइट, और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है वो भी। ओके, तो इस तरह से आज के चैप्टर में हमने देखा हाउ टू मेक अ कॉन्स्टेंट वेरिएबल यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड एंड बाय डिफाइनिंग अ मैक्रो। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमने देखा था ऑपरेटर्स, एंड उससे पहले हमने देखा था कीवर्ड्स। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, लेकिन तब तक आपको कुछ एग्जाम्पल्स करके आना है, कुछ होमवर्क करके आना है, ठीक है। वो मैं यहाँ पर प्रोग्राम्स लिख रहा हूँ, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। देन आफ्टर सेकेंड प्रोग्राम, फाइंड पैरामीटर ऑफ सर्कल। अब इन दोनों के आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वर्तुल का क्षेत्रफल, जिसको हम हिंदी में बोलते थे, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका सूत्र क्या आएगा? तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर, जो कि एकदम करेक्ट है, पाई देन आफ्टर आर इंटू आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, हमें तो इसी तरह से लिखना होगा, राइट। तो अब आपको क्या करना है, आर की वैल्यू कुछ ले लेनी है, ठीक है, इनको आप बनाओगे सिंपल वेरिएबल, लेकिन पाई को आप क्या बनाओगे, कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ठीक है। पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14। इसी तरह से पैरामीटर ऑफ सर्कल यानी कि वर्तुल का परिघ, जिसका फॉर्मूला होता है 2 × π × r, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आपको प्रोग्राम करना है यूजिंग कॉन्स्टेंट वेरिएबल एंड सिंपल वेरिएबल, ठीक है, ओके। ये दोनों थे सर्कल रिलेटेड, इन दोनों प्रोग्राम्स को आपको करना है, फिर चाहे आप कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से करो या फिर डिफाइन कीवर्ड की यानी कि मैक्रो की मदद से करो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे, तब तक आपको ये दोनों प्रोग्राम्स करके आना, ओके।